शहर में परशुराम सर्किल स्थित नजर बगीची में चल रही शिक्षक पात्रता काउंसलिंग के तीसरे दिन भी करीब 189 शिक्षकों की काउंसलिंग की गई। इस दौरान काउंसलिंग कार्यक्रम प्रभारी प्रदीप पंचोली ने बताया कि अलवर जिले को 632 अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए अलॉट किए गए थे, जिनमें से 412 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कर उन्हें पात्र माना गया। वहीं शेष 189 अभ्यर्थियों की भी काउंसलिंग बुधवार को की जा रही है। ऐसे में उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में अलवर जिले को 632 शिक्षक मिलेंगे, जिसके लिए उन्होंने उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। आज काउंसलिंग का तीसरा दिन है। कुल 632 अभ्यर्थी अलवर जिले को अलॉट हुए थे, जिनमें से 612 लोगों को हमने काउंसलिंग के लिए पात्र माना है। आज काउंसलिंग का तीसरा दिन है और 187 लोगों की काउंसलिंग करनी आज बाकी है। आज सभी लोग उपस्थित हैं और बहुत जल्दी अलवर जिले को 632 अध्यापक मिल जाएंगे। इन सभी नए मिलने वाले शिक्षक साथियों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ इनसे कि पूरी निष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। हमारी काउंसलिंग की व्यवस्थाएं बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं, शांतिपूर्वक चल रही हैं और पूरे नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से काउंसलिंग संपन्न कराई जा रही है। धन्यवाद।